Vardhaman Academy, an English medium co-educational senior secondary school, classes from nursery to 12th, smart classrooms, Wi-Fi computer lab, advanced maths and science labs, well-stocked library, best environment for games, yoga and music. Vardhaman Academy, Railway Road, Meerut. Nandi, mere bhakt par musibat aane wali hai, to mere Shivgarh mein se kisi ko bhej do, jo uski madad kar sake. Isi dialog se start hota hai OMG2 ka trailer. इसमें शुरू में ही बता दिया गया है कि अक्षय कुमार भगवान शिव का रोल प्ले नहीं कर रहे हैं, बल्कि उनके दास का रोल प्ले कर रहे हैं, क्योंकि इसी बात को लेकर बवाल हो रहा था। जी हाँ, OMG2 का ट्रेलर रिलीज हो गया है। फिल्म में सबसे पहले पंकज त्रिपाठी की एंट्री होती है, जो कांति शरण मोगदल के किरदार में है। उनके बेटे को किसी वजह से स्कूल से निकाल दिया गया और शुरू होता है कोर्ट केस। पंकज त्रिपाठी के सामने वकील होती है यामी गौतम। बच्चे को क्यों स्कूल से निकाला जाता है, बच्चा सही है या गलत, इसी बात को लेकर फिल्म में बहस होती है। कोर्ट केस चलता है। ट्रेलर से यही जाहिर होता है कि सेंसिटिव मुद्दे को दिखाने की कोशिश की गई है। पंकज त्रिपाठी जाहिर है परेशान हो जाते हैं, शहर से जाना चाहते हैं। तभी उनकी मुलाकात शिव भक्त यानी अक्षय कुमार से होती है, जो कहते हैं, रख विश्वास, तू है शिव का दास, तू है शिव के पास। डायलॉग से थोड़ी कंफ्यूजन भी पैदा होती है, वो शिव के दास है या शिव भगवान। लेकिन फिल्म के शुरुआती डायलॉग में बता दिया था कि वो शिव के दास ही है। अक्षय कुमार का एक एक जेस्टर बिल्कुल परफेक्ट लग रहा है, बल्कि मुझे ऐसा लगता है कि इस किरदार में अक्षय के अलावा इतने बेहतर तरीके से कोई और निभा नहीं सकता था। हालांकि इस फिल्म में काफी बदलाव भी किए गए हैं ताकि धार्मिक भावनाएं अहत ना हो। अरुण गोविल भी फिल्म में एक झलक दिख चुकी है, जो रामायण सागर की रामायण में श्री राम की भूमिका निभा चुके हैं। इनका नाम गोविंद देव इस फिल्म में है। सपोर्टिंग कास्ट भी शानदार लग रही है। कुल मिलाकर ट्रेलर ये उम्मीद जता रहा है कि फिल्म में एक-एक ऐसे मुद्दे को उठाया गया है जिस पर बात करना जरूरी है। अब वो मुद्दा क्या है, ये फिल्म देखकर ही नजर आएगा। हालांकि फिल्म को देखकर ऐसा भी लग रहा है कि विवाद को थामने की कोशिश की गई है। अब देखना यह है कि विवाद होता है या नहीं, अगर होता है तो किस हद तक होता है, या फिर हो सकता है विवाद ना भी हो, लोग फिल्म पर ही ध्यान दें, जो कि हमारे यहाँ थोड़ा कम होता है। मूवी के ट्रेलर को मेरी तरफ से फुल मार्क्स मिलेंगे और इंतजार रहेगा 11 अगस्त का। KMC कैंसर संस्थान, KMC हेल्थ सिटी, बागपत रोड, मेरठ, उत्तरी भारत का आधुनिकतम एवं अत्यंत सुरक्षित रोबोटिक रेडियोथेरेपी वाइटल बीम, जो साइबर नाइफ की तुलना में एकदम सही व सुरक्षित है। रैपिड आर्क से सुसज्जित संस्थान 24/7 हर प्रकार के कैंसर के ऑपरेशन, कीमोथेरेपी और प्रत्येक प्रकार की रेडियोथेरेपी व रेडियो सर्जरी उपलब्ध है। कैंसर को पहचानने के लिए आधुनिकतम पेट CT उचित शुल्क पर उपलब्ध है।